हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो गाइस, हमने जो यूपीपीसीएस के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज शुरू की थी, आज उसमें हमारा टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन 1946। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था खाद्य तथा कृषि का। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य देखते थे असफल ही। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया वह था वित्त। जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर तथा बी आर अम्बेडकर में से अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खां, अबुल कलाम आजाद तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से 2 सितंबर 1940 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे लियाकत अली खां तथा अबुल कलाम आजाद। नोट, 2 सितंबर 1940 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली प्रारंभ में शामिल नहीं थे। लियाकत अली सहित सदस्यों को 26 अक्टूबर 1940 को सरकार में मंत्री बनाया गया था। वर्ष 1940 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई बंगाल में। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु तिथि सुनिश्चित की थी 16 अगस्त 1940। तो गाइस, यहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन के वन लाइनर फिनिश होते हैं। जस्ट रिकॉल इट। बाय।